दलित समाज के लोगों ने सीओ से मिलकर लगाई इंसाफ की गुहार। आपको बताते चलें, काशीपुर में बीते 6 अगस्त को दलित समाज की महिला और उसके साथ ही साथ काशीपुर में विजय मल्होत्रा नामक एक व्यक्ति द्वारा मारपीट के बाद 7 अगस्त को मुकदमा दर्ज होने के बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने से गुस्साए दलित समाज के लोगों ने आज सीओ काशीपुर में मिलकर इंसाफ की गुहार लगाते हुए आरोपी विजय मल्होत्रा की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। ये कुछ दिनों पहले एक मामला हुआ था एससी एसटी के, उसमें एक राजकुमार नामक एक लड़का था, उसको मार्केट में विजय मल्होत्रा नामक व्यक्ति ने 6 अगस्त को मार कुटाई की थी उसके साथ, प्लस जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, जिसमें 7 अगस्त को इसमें मुकदमा दर्ज हो गया था एससी एसटी एक्ट में। लेकिन अभी तक बयान भी हो चुके हैं, सब चीज़ें हो चुकी हैं, कार्रवाई भी हो चुकी है, गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज हम सीओ साहब के यहाँ पर आए हैं और हमने ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो और दलित समाज को न्याय मिले। नहीं नहीं, निष्पक्ष जांच के लिए नहीं, निष्पक्ष जांच का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बयान हो चुके हैं, यहाँ तक कि जिस मामले की ये घटना जिस समय हुई थी उसकी एक वीडियो क्लिपिंग भी हुई थी, किसी ने इसकी वीडियो भी बनाई थी। तो साफ साफ जाहिर है कि जब वीडियो क्लिपिंग में ही वो व्यक्ति मार कुटाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सीधे सीधे बात है कि ये मामला सही है। उसके बाद बयान भी हो चुके हैं, बयान के बाद उसके बाद विजय मल्होत्रा नाम व्यक्ति ने कोर्ट में एक स्टे भी दिया था, स्टे भी खारिज हो चुका है। तो सीधे सीधा है कि ये मामला सच्चा है और उस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, तो इसमें निष्पक्ष जांच भी, सीधे सीधे गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाँ, हमारा दलित समाज का ये मानना है, क्योंकि सारी चीज़ें सब कुछ साफ हैं, बयान भी हो चुके हैं, मामला भी सही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो कोई ना कोई कारण इसके पीछे हमें नज़र आ रहा है। और आज हमने सीओ साहब से यही कहा है कि अगर कल शाम तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो दलित समाज मजबूरन धरना देने पर मजबूर होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन में। पिछले काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा है विजय मल्होत्रा जी का, और लगातार विजय मल्होत्रा सोशल मीडिया पर गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी स्क्रीनशॉट हैं जो हम लेके आज माननीय हमारे क्षेत्राधिकारी सीओ साहब मनोज ठाकुर जी से हमें फरियाद लगानी है, क्योंकि बहुत समय से मतलब कार्रवाई नहीं हो, अभी कर ही रहे हैं, जाँच हो रही है, और एससी एक्ट का मामला है, कितना संगीन मामला है, और वो लगातार ओपन घूम रहा है, इससे पूरे हमारे काशीपुर शहर में एक मैसेज जा रहा है कि कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। इसीलिए हम प्रशासन से गुहार लगाना आए हैं कि शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करी जाए, जिससे कि एक मैसेज जाए और दलित समाज को इंसाफ मिले। ये एक दलित समाज के राजकुमार बरखेड़ा पांडे के निवासी हैं, जिनके साथ ये घटना हुई थी, और एक लेडीज़ के साथ मारपीट का मामला था, जबकि आप जानते हैं मारपीट में तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है। अगस्त की घटना है 6 अगस्त, और आज आपको पता ही है 1 सितंबर हो गई, और अभी तक कोई मतलब ऐसा कोई मामला नहीं लगा जिससे कि दलित समाज को संतुष्टि हो। लगातार आज हमारे जयसिंह गौतम जी, शमसुद्दीन भाई साहब चेयरमैन साहब, और बाकी लोग सब अभी आ रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो रहा था इसलिए, क्योंकि कल भी सीओ साहब हमें मिल नहीं पाए और आज समय दिया था और आज मुलाकात हुई है, तो हम हमारे विजय मल्होत्रा की इनकी जल्दी गिरफ्तारी हो और हमारे समाज को न्याय मिले। समाज का युवा चौधरी विक्की कुमार साहब।